देखिए, इस वक्त हमारे साथ महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है, जो इस वक्त जीत उन्होंने हासिल की है और लगातार जो है प्रयास कर रहे थे। 10 सालों से वहां सांसद रहे हैं, 14 में इन्होंने चुनाव जीता, 19 में जीता और 24 में फिर चुनाव जीत रहे हैं। सर, हैट्रिक लगाए हैं, क्या लगता है, कैसी उम्मीदें हैं जनता से, क्या कहेंगे? नहीं, जनता से जो उम्मीद थी, जनता का जो विश्वास है, जनता ने अपना प्रकट कर दिया। अब आज के बाद मेरा दायित्व बनता है कि हम जनता के विश्वास पर कितना खड़ा उतरे, और मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं जनता के विश्वास पर खड़ा उतरूं। मैं अभी तक जनता के विश्वास पर खड़ा ही उतरा हूं, इसलिए जनता ने इतिहास बदला है। आज तक 18वां चुनाव है, आज तक कोई तीसरी बार वहां का सांसद नहीं बना है, और मुझे जनता ने तीसरी बार सांसद बनाया है, तो मैं उसके विश्वास पर खड़ा उतरूं, ऐसा मेरा प्रयास होगा। और इसके लिए मैं अपने क्षेत्र के देवतुल जनता को भी नमन करता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। क्या लगता है सर, आपके विरोधी भी चुनावी मैदान में थे, कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो कह रहे थे कि भाई सिग्रीवाल जी ने कुछ नहीं किया और हम लगातार लोगों के बीच जाके काम करेंगे, क्या कहेंगे आप उनके? आज के बाद दर्शन तो उनके हो जाए, दर्शन आज के बाद नहीं होने वाले हैं, कल तक भी नहीं हुए थे, आज के बाद नहीं होने वाले हैं। और वैसे लोगों को विकास इसलिए नहीं दिखता कि जब ऊपर हम लोग हेलीकॉप्टर पर हवाई जहाज पर चढ़ते हैं तो नीचे सब उबड़ा खबड़ा दिखता है, तो हेलीकॉप्टर पर नहीं, जब धरती पर आइएगा तो कहाँ उभरा, कहाँ खबरा है और कहाँ प्लेन है, तब देख पाएंगे। अब 14 का महाराजगंज देखे रहते तो आपको लगता है 14 के पहले का महाराजगंज कैसे था, जब आपकी सरकार थी, जब केंद्र में आपके पिताजी जिस पार्टी के अध्यक्ष हैं उनकी सरकार थी, तो यहाँ न बिजली था, न पानी था, न शौचालय था, न लोगों को गैस का कनेक्शन था, न आयुष्मान भारत था, न पीने का शुद्ध नल का जल था, न सड़क थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज सारी व्यवस्थाएं आज हुई है, और उसका ही परिणाम है कि महाराजगंज के लोगों ने विश्वास जताया है। मैं उस विश्वास को सत सत नमन भी करता हूं और उसके विश्वास पर मैं खड़े उतरूं, इसका मैं लगातार और हमेशा प्रयास करूंगा। आगे महाराजगंज की जनता के लिए 5 साल में क्या करेंगे? देखिए, 5 साल तो मैं सेवक हूं, सेवा करने वाला हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, सेवा करने वाला हूं, मैं सेवा करूंगा। और सेवा में उनके विकास और उनके सम्मान, दो चीज मेरे हमेशा अंतर रहता है कि मेरे क्षेत्र के एक एक लोगों का सम्मान से भी उनको कहीं न रहे, क्योंकि कोई एमपी व्यक्ति हो जाता है तो ये नहीं कोई चिड़ियाखाना का जानवर बन जाता है। हम समान लोग हैं, समान तरीका से बात करते हैं, वही मैं फिर बात करूंगा, उसी तरीका से उनका सम्मान करूंगा। और विकास के लिए तो मैं अलग से एजेंडा बना करके विकास करता हूँ, कोई दिखाने के लिए नहीं कि मैं यह कर दिया, वह कर दिया, देश पलट दिया, ये नहीं, कहां धरती पर क्या हो सकता है मैं वह करता हूँ और आगे भी करते रहूंगा। लगातार इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार अब हमारे साथ आएंगे, डिप्टी पीएम बनाने की बात उनको कही जा रही है, उनको ऑफर किया गया है। देखिए, हमें नहीं लगता है कि यह उसमें कहीं कोई दम है, यह बेदम बातें हैं और ऐसे होते रहता है। लेकिन जो बात ही कर रहे हैं नीतीश कुमार जी के, नीतीश कुमार जी ने पहले आज से 15 दिन पहले स्पष्ट कर दिया है कि जो पहले भूल हुई तो अब आगे कभी भूल नहीं होगा, हमें विकसित बिहार चाहिए, तो विकसित बिहार नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में संभव है। हमें विकसित भारत बनाने में नीतीश जी की जितनी आवश्यकता है, उतना ही विकसित बिहार बनाने में के लिए मोदी जी की आवश्यकता बिहार को। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये जनता की जीत है, मोदी के अहंकार का हार है। अभी मोदी जी को हमें लगता है कि वो एक नेता के नाते वो बात कर रहे हो, मोदी जी में अहंकार नहीं है, मोदी में देश के प्रति सेवा व्रत का भाव है। ठीक है, जनता ने जो अपना निर्णय दिया है उसको शर्मा थे सब स्वीकार करते हैं, लेकिन इस पर समीक्षा करेंगे बैठ करके। हमारे केंद्रीय नेतृत्व तो ऐसे थोड़े चुप रहने वाली है, तो लगातार करते रहते हैं, लगातार फिर करेंगे। शरद पवार भी नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं, उधर महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कैसे महागठबंधन में शामिल हो जाए। कितने बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो वह आगे बताएगा, लेकिन उस बात का कोई असर नहीं पड़ने वाला है नीतीश कुमार जी पर, मुझे पूरा भरोसा। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको कि महाराजगंज में आप इस बार चुनाव जीते हैं तो किस तरह की उम्मीदें यहाँ की जनता से आपको? जनता से उम्मीद है, जनता तो मेरे वहाँ मेरे भाई हैं, मेरे परिवार हैं और मेरे मालिक है, तो मालिक से तो उम्मीद यही रहता है कि मालिक सहयोग करे तो सेवक अच्छा काम करेगा, तो मालिक का सहयोग रहेगा तो सेवक अच्छा काम करते रहेगा लगातार। तो ये हमारे साथ देखिए महाराजगंज के सांसद हैं जो अभी अभी चुनाव यहाँ से जीते हैं, महाराजगंज से प्रत्याशी थे भाजपा के और ये चुनाव जीते हैं, और ये अभी बातचीत हमसे कर रहे थे, एबीपी न्यूज से बातचीत कर रहे थे। इनका कहना है कि नीतीश कुमार हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं और हमारे साथ रहेंगे, लेकिन अब देखना होगा कि आगे बिहार के राजनीतिक समीकरण में क्या कुछ बदलाव होते हैं। आशुतोष नाथ, एबीपी न्यूज, सारण, छपरा, बिहार।